हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो? मजे में? तो आज हम आप लोगों को स्ट्रेट लाइन, क्लास 11 का जो स्ट्रेट लाइन चैप्टर है, उस चैप्टर का एक फार्मूला बताएंगे। फार्मूले का नाम क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या है फार्मूले का नाम? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो वेलकम टू बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राजकुमार तिवारी। यू आर वॉचिंग क्लास 11 मैथ्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए टॉपिक का नाम है, ठीक है? तो स्टार्ट तो यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस है ना, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। उस ट्रायंगल का एक कोऑर्डिनेट लिख देंगे। कोऑर्डिनेट कितना है? ए। पॉइंट कितना है ट्रायंगल का? ए बी सी वर्टाइसेस। और उसका कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू और एक्स थ्री वाई टू वाई थ्री, ठीक है? तो ए का जो पॉइंट है, ए का कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स वन वाई वन। बी का कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स टू वाई टू। और सी का कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स थ्री वाई टू। टॉपिक का नाम हमारा क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। और चैप्टर का नाम क्या है? स्ट्रेट लाइन, ठीक है? तो आप लोग जब टॉपिक डालोगे तो टॉपिक क्या लोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल। फाइंड द एरिया, टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसेस, टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है? तो जैसा आप देख रहे हैं, ओ एक्स एंड ओ वाई दर टू एक्सेस है ना, परपेंडिकुलर एट पॉइंट ओ नोन एज ओरिजिन, एंड द ट्रायंगल्स ए बी सी, कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट ऑफ है ना पॉइंट ए एक्स वन वाई वन, बी एक्स टू वाई टू एंड सी बी एक्स वन। ड्रॉन परपेंडिकुलर ए बी सी ऑन द एक्स एक्सेस है ना, कौन सा माने ए बी सी से हम एक्स एक्स पर हम लंब डालेंगे ए एल बी एम और सी एन। क्लियर? देखिए एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा कितना है? एक्स टू है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? एक्स वन है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा कितना है? एक्स थ्री है। क्लियर? हम लिख लेते हैं यहाँ पर ओ एम इक्वल टू एक्स टू है ना, और ओ एल इक्वल टू एक्स वन और ओ एन इक्वल टू कितना होगा? एक्स थ्री। यदि हमको एम एल इसका कोई पॉइंट का नाम देते हैं, एम एल एन पी नाम देते हैं, तो ये जो हो जाएगा बी पी, यहाँ से हम इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आम मान लो हम बी पी लेते हैं तो ये क्या है, एक्स वन से एक्स टू को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? और यदि पी सी हम ले लेते हैं, यदि हम पी सी ले लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक एक्स थ्री से एक्स वन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? अब रही बात हमको किसको, बी सी को फाइंड आउट करना है। तो बी सी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा है ना, ये पूरा कितना है, पूरे में से इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, या मैंने कितना हो जाएगा बी सी के लिए, बी सी पैरेलल टू एम एन, तो बी सी ठोको। तो बी सी के लिए हमको किसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ओ एन माइनस ओ एम। तो ओ एन कितना है हमारे पास? एक्स थ्री है। ओ एम कितना है? एक्स वन, नहीं एक्स टू है, ठीक है? ये एम एन इक्वल टू बी सी, ये हमने निकाल दिया, ठीक? क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं, चालू करना। क्या लिखना है आपको? लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी आर ए बी एंड सी, ठीक है? बी कितना हो जाएगा? एक्स वन ए पर, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू एंड एक्स थ्री वाई थ्री रिस्पेक्टिवली। ड्रॉस परपेंडिकुलर, ड्रॉस ए एल बी एम एंड सी एन, ए एल बी एन एंड सी एन है ना। ड्रॉन क्या लिखोगे? ड्रॉन परपेंडिकुलर, ड्रॉन ए एल बी एम एंड सी एन परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सेस, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे हम। कितने ट्रायंगल बन जा रहे हैं हमको, देखिए आप एरिया ऑफ ट्रायंगल, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ए बी सी का निकालना है हमको, है? अब यहाँ कितने ट्रायंगल बन रहे हैं आप देख रहे हैं, ए बी पी ए बी सी जो भी आपको ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ठीक है? तो
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना निकल रहा है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी एम एल, ए बी एम एल। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बड़े बड़े लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी एम एल प्लस। अच्छा ट्रेपेजियम तो लास्ट ईयर आप लोग पढ़े होंगे, ट्रेपेजियम का फार्मूला भी आप लोग को ज्ञात होगा। दूसरा क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन सा बनेगा, ए एल एन सी, ए एल एन सी ए एल एन सी, ठीक है। अच्छा कितने बनेंगे, एक और बनेंगे, ये दोनों एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को हम माइनस करेंगे किससे, बी एम एन सी से, कहाँ है बी एम एन सी, ठीक है। इसको हम किससे माइनस करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी एम एन सी, ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी एम एन सी, ठीक। दो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम था, कौन कौन सा, पहला था आप लोग डायग्राम को ध्यान दीजिएगा, दो ट्रेपेजियम बने बी एम जो भी होगा ए बी एम एल, और दूसरा कौन सा ए एल एम सी, इससे हम क्या माइनस कर दिए बी एम एन सी, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का क्या फॉर्मूला था, छोटे क्लास में समझाए थे, सबसे पहले आप लोग क्लास 7-8 में जो भी क्वाड्रिलेटरल जो पढ़ते हैं, ट्रेपेजियम हो गया, रोम्बस हो गया, मैं क्वाड्रिलेटर के अंदर के जितने भी ये सब हैं डायग्राम वगैरह, जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सब आप लोगों को देखना चाहिए, क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया। जब तक फार्मूला क्लियर नहीं होगा तो आगे बढ़ना मुश्किल होगा, क्योंकि सबसे पहले आप लोगों को तो फार्मूला नहीं मालूम होगा, तो आप लोग कैसे उसके वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो पहला जो मैंने ट्रायंगल लिया है, ऐसा ट्रेपेजियम लिया है, ये इसका पैरेलल साइड कौन सा होगा, ए बी एम एम, तो कितना होगा ए एल प्लस बी एम, वन बाय टू ए एल प्लस बी एम, ठीक है। चलो इसकी हाइट बताओ कितनी होगी, हैं एम एल, गुड, तो ये एम एल इसकी हाइट हो गई इसके, प्लस दूरिया दूसरा कौन सा हो गया ए एल एन सी, तो ए एल प्लस एन सी, हाइट कौन सी आ जाएगी एल एन, क्लियर। और दूसरा तीसरा कौन सा हो जाएगा, है ना, देखिए बी एम एन सी, बी एम और सी एन, बी एम सी एन इसकी क्या होगी, दो पैरेलल साइड हो जाएगी, है ना, और उसकी हाइट क्या हो जाएगी एम एन हो जाएगी, है ना। तीसरा जो लिखे हैं प्लस माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये बी एम प्लस सी एन, और हाइट कितनी जाएगी एम एन ले लेंगे, ठीक है। ये हमने लिख दिया, अब सबकी वैल्यूज अपन पुट करेंगे। सबसे पहले ए एल, ठीक है, ए से लेकर एल तक कितना है एक्स वन है, है ना, और बी एम कितना है बी से लेकर एम तक कितना हो जाएगा, ठीक है, नहीं ये वाई वन होगा क्योंकि ये वाई है, तो ए एल कितना हो जाएगा वाई वन, और बी एम कितना हो जाएगा वाई टू, और एम एल कितना हो जाएगा, एम एल मैंने निकाला है एम एल माने ओ एल, या लिख देते हैं एम एल क्या लिखेगा ओ एल माइनस ओ एम,
ओएल कितना है हमारे पास, एक्स वन, और ओएम कितना है, एक्स टू। ये वीपी के इक्वल हो जाएगा, एक्स वन माइनस एक्स टू। कोई डाउट? ठीक है। और फिर दूसरा कौन सा है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, ये एल, एल कितना है हमारे पास, फिर से वही बात है वाई वन, एन सी कितना है वाई थ्री, एल एन कितना है, एल एन निकाले हैं कहीं, और जो पी सी एक्स थ्री माइनस एक्स वन, एल एन जो होगा ये पी सी के बराबर होगा, एल एन कितना है एक्स थ्री माइनस एक्स वन। बात है तीसरा बी एम, बी एम कितना है, फिर से बात आई हमारे पास वाई टू, सी एन कितना है वाई थ्री, और एम एन कितना है, एम एन निकाले हम एक्स थ्री माइनस एक्स टू। ये सब की वैल्यू को हमने पुट कर दिए हैं, ठीक है। पुट करने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए चलिए जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। यहाँ से वन बाय टू तो सभी निकल जाएगा, वाई वन एक्स टू माइनस वाई वन एक्स वन माइनस वाई वन एक्स टू प्लस वाई टू एक्स वन माइनस एक्स टू वाई टू प्लस वाई वन एक्स थ्री, मल्टीप्लिकेशन करना है वाई वन को एक्स थ्री से, माइनस एक्स वन वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई थ्री माइनस एक्स वन वाई थ्री, ये हो गया। अब इसको माइनस कर दो, वाई टू एक्स थ्री वाई टू माइनस एक्स टू वाई टू प्लस एक्स थ्री वाई थ्री माइनस एक्स टू वाई थ्री। ये मैंने सबको मल्टीप्लिकेशन कर दिया डिस्ट्रीब्यूटर, क्लास 11 में आप लोग समझ सकते हो। अब इसमें जो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों कैंसल हो जाएंगे, ठीक है, देख सकते हैं। इसको ओपन करेंगे सारे निगेटिव पॉजिटिव जाएंगे। एक बार और कर लेते हैं अपन, एक्स वन वाई वन माइनस एक्स टू वाई वन प्लस एक्स वन वाई टू माइनस एक्स टू वाई टू प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस एक्स वन वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई थ्री माइनस एक्स वन वाई थ्री माइनस एक्स थ्री वाई टू प्लस हो जाएगा माइनस माइनस एक्स टू वाई टू माइनस एक्स थ्री वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री। क्या क्या बचेगा इसमें, देखिए एक्स टू वाई वन कहीं है, एक्स टू वाई टू कट गया, एक्स वन वाई वन ये इससे कट गया, और एक्स थ्री वाई थ्री कहीं है ये कट गया, अब कुछ नहीं कटेगा। अब जो बचा है उसको हम लिख देंगे, है ना। एक्स वन की तरह देखिए, एक्स वन निकाले, कहाँ पर था एक्स वन, ये वाला ले रहा मैं, देखो एक्स वन, और कहीं एक्स वन ये, इसमें एक्स वन कॉमन निकाले तो वाई टू माइनस वाई थ्री। अब दूसरा कौन सा है, एक्स टू लेंगे, यही है एक्स टू, ये एक्स टू है, तो क्या बचेगा इसमें, एक्स टू एक्स टू, और कहाँ गया एक्स टू, ये हो गया एक्स टू, तो निकाले तो क्या बचा हमारे पास, वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री, एक्स थ्री किधर हो गया ये, तो क्या निकला हमारे पास, वाई वन माइनस वाई टू। तो ये इस टाइप का हमको एक थो फार्मूला निकल कर आया, जिसको हम क्या करेंगे, एक्सप्रेसिंग इन द लॉ ऑफ डिटरमेंट, है ना, इसको हम डिटरमेंट्स के फॉर्म में रखेंगे। इतना आप उतार लीजिए, फिर इसको डिटरमेंट्स के फॉर्म में रखते हैं, तो दिख रहा है ना, हाँ वेरी गुड, है ना। तो ये हो जाएगा एक एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, इसकी सहायता से हम किसी भी
ट्रायंगल का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है उसका पेरियड ट्रायंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो होगा एक्सप्रेसिंग इन द टर्म्स इन द डिटरमिनेंट्स ऑफ, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे अब देखते हैं हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में। ठीक है ना, 1/2, है ना, x1। देखिए डिटरमिनेंट्स आप लोग 12th में पढ़ेंगे, तो इससे आप लोग 11 फिजिक्स में भी डिटरमिनेंट्स है, जिसमें अपना इस वेक्टर में पढ़े होंगे, है ना, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको x1 y1 1, x2 y2 1, और x3 y3 1। अब इसको निकालने का तरीका कैसा है, देखिए हमको यदि x1 फाइंड करना है, इसको हम रो बोलते हैं, ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन को, इसको वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं। तो x1 फाइंड करने के लिए x1 का कॉलम, x1 का रो, तो बचा है y2 minus y3। ठीक, अब दूसरा x2 फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे निकालना पड़ेगा ये कॉलम ये रो, तो हमको निकल जाएगा इस टाइप का फॉर्म में। तो ऐसे एक एक शेड करके हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, निकाल के बता देंगे। चलिए ऐसा करिए, तो कॉलम रो बचा, है ना, फिर हम क्या करेंगे, ऐसा कर देंगे, तो इस टाइप का हमको ये फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। कोई डाउट? क्लियर कॉल रही कंडीशन फॉर, है ना, इसका कोरोलरी निकालने के लिए कंडीशन फॉर कोलिनैरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स, ऑफ पॉइंट्स ए x1 y1, बी x2 y2, एंड सी x3 y2 विल बी कोलिनियर। कोलिनियर माने क्या होता है, एक ही लाइन पर स्टेबलिश होता है, विल बी ऑन द स्ट्रेट लाइन। तो कोलिनियर के लिए आप लोगों को क्या करना है, इसकी वैल्यू को जीरो कर देना है, किसकी, एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू को जीरो कर देना है, और जीरो करने के बाद इसको अपन आसानी से निकाल सकते हैं। जीरो करने के बाद आपको क्या बचेगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा उससे, समझ में आया ना। अच्छा इसको बता दें, चल ठीक है, ऐसा, ठीक है, ऐसा y2 minus y3, ऐसा और ऐसा, ये निकाल लेंगे हम। ठीक है, माने कि हमको सबसे पहले क्या निकालना है, इसको और इसको, फिर इसको ऐसे दबाते जाना है। एक बार और समझा दें, ऐसा और ये कॉलम और रो, तो y2 minus y3, अब ऐसा एक रो और ये कॉलम, तो हमको निकल जाएगा क्या, y1 minus y3, लेकिन इसको निगेटिव रखेंगे तो यहाँ पर इसका टर्म्स चेंज होगा, y1 minus y3 हो जाएगा। फिर तीसरा लेंगे तो y1 minus y2, तो ये आपका हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। यदि आप एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल जीरो होगा तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको जीरो इक्वल कर देंगे, तो हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, लीनियर मिल जाएगी, है ना। कोई डाउट? तो अब अगला जो क्लास लगेगा, अगले क्लास में हम क्या बताएंगे, ऐसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, या हो सकता है इसका आगे का फॉर्मूला बता दें। तो आज की वीडियो कहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तो हमारे वीडियो पर बने रहिए, और लाइक करने के बाद, सब्सक्राइब करने के बाद लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई नेक्स्ट वीडियो।